दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी इस बात को जानते हैं कि दूल्हा हमेशा घोड़ी पर चढ़ के दुल्हन लाने के लिए जाते हैं। लड़कियां हमेशा यह सोचती है, बचपन से ही यह सोचती है कि उसका राजकुमार एक दिन घोड़ी पर चढ़कर उसको लेने के लिए आएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दूल्हा हमेशा घोड़ी पर चढ़ कर दुल्हन लाने के लिए क्यों आता है? वह घोड़े पर चढ़कर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पुराने समय में, चाहे वह प्रभु श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, जब भी शादी के लिए लोग निकलते थे तो हमेशा युद्ध हुआ करती थी। तो उस युद्ध से बचने के लिए, यानी कि युद्ध में सफल होने के लिए, घोड़ी पर चढ़कर जाया करते हैं, क्योंकि घोड़ी जो होती है काफ़ी बुद्धिमान, दक्ष और कुशल होती है युद्ध के नेतृत्व करने में। इसलिए वे हमेशा विजयी होते थे और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। इसलिए लड़कियां हमेशा अपने सपनों में सोचती है कि उसका राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर जाएगा। घोड़ी की परंपरा की शुरुआत वहीं से हुई। दोस्तों, यह जानकारी पहले से थी, अगर नहीं तो ऐसे ही अमेरिक जानकारी के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले।